नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लगभग 2 साल से कोविड पैंडेमिक से फेस कर रहे हैं और इसका हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और जब बात यंग बच्चों की होती है तो सिचुएशन और नाजुक हो जाती है, क्योंकि यंग बच्चे ना तो इतने समझदार होते हैं कि सब समझ जाएं और ना ही इतने ना समझ होते हैं कि कुछ ना समझें। आज हम बात करेंगे यंग बच्चों के बारे में जो टीनेज के हैं, उनका एबनॉर्मल बिहेवियर, क्या सही में उनको इलाज की जरूरत है या थोड़े से लाइफस्टाइल में चेंज लाने के बाद उनको ठीक किया सकता है, कोविड पैंडेमिक का उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, उनके क्या सिम्टम्स हैं, बच्चों को अपने अंदर क्या इम्प्रूव करना चाहिए, पेरेंट्स को अपने अंदर क्या इम्प्रूव करना चाहिए और उनके सिम्टम्स का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपका बच्चा बहुत स्ट्रेस में रहता है, उसको बहुत जल्दी जल्दी नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, वो बहुत जल्दी जल्दी इमोशनल हो जाता है और वो किसी भी आलोचना या क्रिटिसिज्म को सहन नहीं कर पाता है, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको एंग्जाइटी रहती है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने किसी बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत ही डिटेल में बताने की कोशिश की है। दोस्तों, इनमें से किसी भी टॉपिक पर बात करने से पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। उसके लिए पहले स्टेप ये है कि हमको पता लगाना है उस प्रॉब्लम का कारण। कई बार क्या होता है, उस प्रॉब्लम के कारण को हटा देने से प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। ये नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि उस बच्चे को उस एबनॉर्मल बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी कितनी है। मीन्स वो जो एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है वो महीने में एक आध बार हो रहा है या हफ्ते में एक दो बार हो रहा है। यदि महीने में एक आध बार हो रहा है तो डोंट वरी, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें सारे इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, लेकिन यदि हफ्ते में एक दो बार हो रहा है तो उसको इलाज की ज़रूरत है। नंबर तीन पे आपको ये समझना होगा कि उसके बिहेवियर में जो ऑल्ट्रेशन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। यदि उसको गुस्सा आ रहा है तो उसका कितनी इंटेंसिटी से एग्रेशन हो रहा है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के एबनॉर्मल बिहेवियर की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को समझने के लिए हमको कैलेंडर को यूज़ करना चाहिए। उसकी इंटेंसिटी के लिए हम प्लस साइन लगाते जाएं और जब जब उसको ये रिपीट हुए हों तब टिक लगाते जाएं। तो आपके पास एक या दो महीने का आपके पास एक डेटा तैयार होगा, यदि आप किसी साइकेट्रिस्ट को या किसी डॉक्टर को कंसल्ट भी करते हैं तो आपको पता रहेगा कि महीने में या हफ्ते में बच्चे को कितनी बार ये परेशानी हुई, और ये फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा इलाज के लिए। दोस्तों, अब ये अच्छी तरह से समझने के बाद कि आपका बच्चा सही में परेशान है, उसका बिहेवियर अबनॉर्मल है, तो हमको अब दूसरे स्टेप पे आगे बढ़ना है। इसमें पेरेंट्स के लिए 3 रूल हैं और बच्चे के लिए 3 रूल हैं। हम पहले पेरेंट्स के 3 रूल्स के बाद, पेरेंट्स के लिए रूल है नंबर 1, दैट जब भी बच्चे का मूड ठीक ना हो उससे बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशन ना करें, उसको बहुत उसके साथ बहुत फिक्शन ना करें। नंबर 2 रूल आपको ये याद रखना है कि अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो उसके साथ एज ए फ्रेंड बात करें, उसको बहुत ही डोमिनेट या उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करें। और नंबर 3 जो मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है, बच्चे को कंट्रोल करने की बजाय उसको रिस्पॉन्सिबल बनाएं। यदि घर में कोई छोटा भाई बहन है तो उसके लिए पढ़ाई को बोले, उसको संभालने को बोले, या कोई पेट है तो उसको संभाले। हम बच्चों के लिए बनाए गए 3 रूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारी बॉडी 3 फैक्टर्स से बनी हुई होती है, हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा ब्रेन और हमारी सोल, मतलब हमारा शरीर, शारीरिक शरीर, और हमारा दिमाग और हमारा मन। यदि ये 3 व्यवस्थित हैं और कंट्रोल हैं तो बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि बच्चे की फिजिकल बॉडी को एग्जर्ट करने के लिए उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डलवाइए, कोई खेल खिलवाइए, और उसके मन को शांत करने के लिए कोई मेडिटेशन करवाइए, आर्ट क्लासेस करवाइए, कोई ड्राइंग, कोई म्यूजिक एटसेट्रा। इससे फायदा क्या होगा, उसका मन शांत रहेगा और बॉडी एग्जर्ट रहेगी तो ब्रेन अपने आप व्यवस्थित कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 2 बात बच्चों के लिए ये है कि बच्चों का एक डेली रूटीन बनाइए। कोविड पैंडेमिक के कारण बच्चे दिन भर घर में रहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो एक टाइमली उनका पढ़ना, टाइमली खाना, टाइमली सोना, टाइमली खेलना, ये पूरा निश्चित कीजिए। और नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगता है कि पेरेंट्स को बच्चों को एटलीस्ट मंथ में एक बार नेचर में ले जाना चाहिए, विदाउट मोबाइल, विदाउट लैपटॉप, विदाउट एनी ऑनलाइन नेटवर्क।
उससे बच्चे का माइंड हील होगा। इन सब स्टेप्स को करने के बाद भी आपको फील होता है कि बच्चे को सिम्टम्स बने ही हुए हैं, बच्चा परेशान है, तो उसका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। दोस्तों, जब बच्चा बीमार पड़ता है तो आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वैसे ही उसकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम में भी आपको उसको फिजिशियन के पास ले जाना है और उनसे सारे सिम्टम क्लियरली डिस्कस करने हैं। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे के सिम्टम्स को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करूंगी जो आपको हेल्प करेंगी बच्चे की मेंटल हेल्थ को समझने के लिए। इसमें नंबर वन मेडिसिन है एकोनाइट 200। एकोनाइट 200 हम तब देते हैं जब बच्चे को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, वह बहुत रेस्टलेस होता है, फ्यूचर के बारे में सोच के बहुत परेशान हो जाता है, तब यह मेडिसिन बहुत कारगर है दोस्तों। नंबर टू मेडिसिन है अजेंटम नाइट्रिकम 200। इस मेडिसिन में नर्वस एंग्जाइटी होती है, मतलब पेशेंट हर काम बहुत जल्दी जल्दी में करता है, उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहती है और एग्जाम के पहले ये एंग्जाइटी और ज्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी तो पेशेंट को लूज मोशंस भी लग जाते हैं। नंबर तीन पर मेडिसिन आती है कैलिफोस। इसका बच्चा बहुत स्ट्रेस में रहता है, बहुत इरिटेट होता है, ये बच्चा बहुत एम्बिशियस होता है, इसलिए ही जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है और इसकी नींद में बहुत खलल पड़ता है। नंबर चार पे मेडिसिन आती है आर्सेनिकम एल्बम 200। इसमें बच्चा बहुत अकेलापन महसूस करता है, बहुत रेस्टलेस हो जाता है, उसके हिसाब से यदि काम नहीं होता तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ जाती है, उसको ऐसा फील होता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वो किसी से भी अपनी आलोचना सहन नहीं कर पाता है। अब बारी आती है जैल्सिनियम 200 की। इसमें बच्चा बहुत सुस्त रहता है, कोई भी काम करना नहीं चाहता, उसको स्टेज में जाने को डर लगता है, उसको प्रेशर सहन नहीं होता है। इस तरह के सिम्टम यदि बच्चे को आते हैं तो जैल्सिनियम बहुत अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे पल्सेटिला 200 की। यह उन तरह के बच्चों को दी जाती है जिनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, जो बहुत ही इमोशनल होते हैं, उनको इमोशनल टाइम की एंग्जाइटी होती है, बात बात पर वो रो देते हैं, उनको हमेशा किसी का साथ चाहिए होता है। ये एंग्जाइटी मेनली गर्ल्स में देखी गई है, ऐसी कंडीशन में यह मेडिसिन बहुत कारगर है दोस्तों। बात करेंगे अब इग्निशिया की। इग्निशिया का बच्चे की कोई हिस्ट्री होती है जिसमें उसको कोई बहुत लॉस हुआ होता है, किसी फैमिली मेंबर का या कुछ और, तो बच्चा इस तरह का हो जाता है। उसका मूड बहुत स्विंग करता है, कभी वो खुश होता है, कभी वो दुखी होता है, यह मेडिसिन तब बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। दोस्तों, इनमें से कोई भी मेडिसिन आपको अपने बच्चे को किसी डॉक्टर को फिजिकली दिखाकर उनसे कंसल्ट करके ही लेनी है, क्योंकि हर पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग होते हैं और उसी के आधार पर मेडिसिन की पोटेंसी और डोजेस तय होते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और ये आपके बच्चे को हील करने में हेल्प करता हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।